साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, दोनों कटा दो। गजब माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है देश में। एक विशेष समुदाय हिंदुओं को लेकर कुछ कहे तो उसके लिए आपत्ति के सुर सुनाई नहीं देते, लेकिन हाँ अगर एक हिंदू खुद के बचाव में कुछ कह दे तो उसकी जरूर जुबान बंद करने की कवायद शुरू कर दी जाती है। मतलब अल्पसंख्यक है तो कुछ भी बोलने की आजादी है क्या? अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी अध्यक्ष ने दूसरे धर्म में शादी को लेकर विवादित बयान दिया, साथ ही उन्होंने तो देश के साधु संतों को भी नहीं बख्शा। हालांकि शौकत अली पर उनके बयानों को लेकर आईपीसी की धारा 153A, 295A और 188 के तहत केस तो दर्ज कर दिया गया है, लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि इस विशेष समुदाय के शौकत अली के दिमाग में हिंदुओं को लेकर कितना जहर भरा है, ये हिंदुओं को किस नजर से देखता है। संभल में आयोजित एक कार्यक्रम में शौकत अली ने कहा, मुसलमानों ने इस देश पर 832 वर्षों से ज्यादा समय तक हुकूमत की और हिंदू हमारे बादशाह के सामने हाथ जोड़कर जी हुजूरी करते थे। बादशाह अकबर ने भी सभी को बराबर का हक दिया। ठीक है, अभी आगे और सुनिए क्या कह रहे हैं AIMIM प्रदेश अध्यक्ष। कह रहे हैं, हमारे बादशाह अकबर ने तुम्हारी बहन जोधाबाई से शादी कर उन्हें मल्लिकाए हिंदुस्तान बनाया था। सुनिए एक बार AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को। हम अपनी जान को अल्लाह सुभान व तआला के हवाले करते हैं। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे पार करके जी हुजूर कर रहे थे। हमने तुम्हारी बहन को बल्कि हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना, हमसे बड़ा सिपलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से तो जोधाबाई को बल्कि हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेक्युलरिज्म के अलम बरदार तो हम है ना, हमको अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं। इतने पर भी शौकत अली रुके नहीं है, आगे देखिए भारत के साधु संतों को किस तरह से धमकी दे रहे हैं। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, दोनों कटा दो। सुनिए आपने इन साहब की भाषा, अगर इसी भाषा का इस्तेमाल कोई हिंदू कर ले तो फिर देश क्या, विदेश में भी हंगामा खड़ा हो जाए, विदेश के विशेष समुदाय के लोग भी आग बबूला हो जाए। हालांकि कवि कुमार विश्वास ने अपने चित परिचित अंदाज में सोशल मीडिया के जरिए इन साहब को जवाब दे दिया है। कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है, हर एक काम सलीके से बांट रखा है, ये तेल छिड़केंगे वे माचिस दिखाएंगे। कुमार विश्वास ने एक जूते का भी इमोजी बनाया है। अब कुमार विश्वास के इसी ट्वीट पर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फरमान हैदर ने लिखा, इन लोगों को देश में शांति नहीं होने देना है, इनको पिस्ती गरीब जनता की कोई फिक्र नहीं है, इन्हें दंगे में मजा आता है और ये मुस्लिम के नाम पर कलंक है, अल्लाह की लानत हो इन सब पर। अब्दुल अजीज ने लिखा, ओवैसी साहब ऐसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ आपके ही नेता आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो एक अच्छी साफ सुथरी पार्टी समझकर बहुत इज्जत दिया, लेकिन आज अगर आप इसके जैसे नेता को पर। वही डॉक्टर साध्वी प्राची ने देखे किस तरह से इन साहब को जवाब दिया है, ट्वीट किया है, कान खोल कर सुन लो वैसी। हिंदुओं के ऊपर उंगली उठाने वालों, अपने गिरेवान में जाकर के देखो, ये 20 साल की बच्ची से 80 साल का बुढ़ऊ निकाह कर रहे हो, ये क्या है? हलाला करते हो, ये देश को बताइए जरा, और डिबेट कराए सारे चैनल। हिंदुओं को इस तरह की गंदी जो कमेंट करते हो, शर्म आनी चाहिए। ये अली हो या खली हो, इनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। और दिल्ली के अंदर एक मौलवी पकड़ा गया है ना भाई, नन्नी सी बच्ची के साथ दुराचार करते हुए, पूरी मीडिया उसको दिखा रही है। तो जरा ये ओबेसी और ओबेसी की पार्टी के लोग बताएं,
कि वो क्या हो रहा है। खबरदार, अगर हिंदुओं के साथ इस तरह की अनर्गल प्रलाप किया तो अच्छा नहीं होगा। कान खोल करके सुन लो बेसी। और योगी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, इस तरह के ये बदतमीजी, इस तरह की हिंदुओं के साथ ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं कर रहे हो? इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। वही खालिद सिद्दीकी नाम के यूजर ने लिखा, सब हिंदी फिल्मों का असर है डॉक्टर साहब। फिल्मों में लंगड़े कुरूप 5 फुटे अकबर को ऋतिक रोशन बनाकर दिखाया जाएगा तो यही होगा। उन्हें नहीं पता महाराणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज कौन थे, जिनके सामने जाने की हिम्मत इनके बापों में भी नहीं थी। नितिन भारद्वाज ने लिखा, हम हिंदुस्तानी बनकर रहना चाहते हैं इस देश में, ये हमारे साथ मुगल बनकर रहना चाहते हैं, तो ये भाई कैसे हो सकता है? सच सुनकर अनसुना कर रहे हैं हम जो हिंदू, तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। गजबाए हिंद की तमन्ना है इन सब की, रिटर्न टू मुगल या सल्तनत, हिंदू की क्या इच्छा है? तो कुछ इस तरह से शौकत अली के भाषण पर किए गए कुमार विश्वास के ट्वीट पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के विवादित बयान के सामने आने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। इसी के साथ कार्यक्रम के आयोजक और AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 153A, 295A और 188 के तहत केस दर्ज किया है। बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता लक्षित अग्रवाल की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। अब आप हमें बताएं, इस केस के बाद और शौकत अली की बात को सुनने के बाद, अब आप शौकत अली पर किस तरह की कार्रवाई होते देखना चाहते हैं? आपके मुताबिक शौकत अली की इस भाषा के लिए उन्हें क्या सजा दिलवाई जानी चाहिए? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हमको मालूम है तुम किसके छोकर हो, हेमंत नसीर, हम अपनी जान को अल्लाह सुभान व तआला के हवाले करते हैं। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े, आज 32 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे हो। हमने तुम्हारी बहन को मलके हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना, हमसे बड़ा सिपाही कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से तो जोधाबाई को मलके हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेक्युलरिज्म के अलम बरदार तो हम है ना, हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं। और ये कह रहे, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा हम गाजर हैं, अच्छा हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब, अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, दाद और दोनों कटा दो। और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है हमको मालूम है, तुम किसके छो